हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एमटीआर। ये है 2022 की न्यू मॉडल होंडा लीबो 110 बीएसएक्स का डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल ड्यूअल टोन कलर में। इस बाइक में कंपनी ने क्या क्या अपडेट किए हैं, माइलेज और फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, टॉप स्पीड कितने तक जाती है, डिटेल में ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर आपको अब ब्लू कलर में मिरर मिलते हैं जो कि इसकी बॉडी कलर के हिसाब से दिए गए। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिल जाता है, टू पीस वाला। यहाँ पर आपको आगे वाला वाइजर मिलता है जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। होंडा की ब्रांडिंग 35x35 वाट का। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी रोशनी भी मिलती है नाइट में, जिसमें आप लो बीम और हाई बीम को भी यूज कर सकते हैं। साइड में आपको थोड़े से फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं जो कि हेलोजन में, बाकी साइड में कोई भी स्टिकर वर्क नहीं दिया है। बाकी यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी और फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन दिए हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। आगे वाला मडगार्ड आपको प्लास्टिक का मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। 240 mm डायमीटर की यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाती है जिसमें आपको निफिन के कैलिपर और 80/18 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और 18 इंच का ब्लैक कलर का एलोबिल फ्रंट में दिया है। इस बाइक के सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो कंपनी ने इसका जो कलर है, जो स्टिकर है और जो ग्राफिक्स हैं वो कम्प्लीटली बदल दिए हैं। अब इसका जो फ्यूल टैंक का जो काउल है वो यहाँ पर अब ब्लू कलर में मिलता है और पेट्रोल टैंक आपको ब्लैक कलर में मिलता है। साइड में आपको होंडा का 3D में लोगो मिल जाता है क्रोम के साथ और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं जैसा कि यहाँ पर L है, यहाँ पर I है, यहाँ पर V है और यहाँ पर O है, मतलब कि लीवो का बड़ा सा ग्राफिक्स मिलता है जिसमें सिल्वर और ब्लू कलर का कंपनी ने इस्तेमाल किया गया है। बाकी यहाँ पर आपको 9 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। फिट एंड फिनिश भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी इसके पेट्रोल टैंक के ऊपर में कुछ सावधानियां बरतने के लिए यहाँ पर स्टिकर का कंपनी ने यूज किया है और इसका जो पेट्रोल टैंक का कैप है वो आपको मिलता है हीरो बाइक्स की तरह। यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप देखने को मिलता है जिसके साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और इसमें आपको इकोनॉमी जोन मिलता है। जैसा कि अगर आप इसको 30 से 50 के बीच में स्पीड में चलाते हैं तो 65 से 70 का माइलेज निकाल के देगी। यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट टर्न इंडिकेटर के साथ यहाँ पर आपको चेक इंजन की वार्निंग लाइट की इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर मिल जाता है, ओडोमीटर और यहाँ पर डिजिटल आपको क्लॉक मिल जाती है। बाकी इसमें आपको टोटल किलोमीटर और ओडोमीटर भी मिल जाता है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कोई भी फीचर्स नहीं मिलता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है और इसके साथ ही जो मिरर्स हैं वो भी आपको वही मिलते हैं जो आपको स्कूटर में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अपर डिपर के साथ इंडिकेटर और हॉर्न का बटन मिल जाता है। दूसरी साइड में आपको इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है। और ये है इसके इंजन का साउंड। तो दोस्तों, अगर आप 110 सीसी की सबसे ज़्यादा मतलब कि टेंशन फ्री बाइक लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से ये बाइक काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी इसकी सीट में देखने को मिलता है जिसमें लगभग आपको जो है वो 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का साइड बॉडी पैनल, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का सीट कावल, यहाँ पर सिल्वर और ब्लैक कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं और मेन जो साइड बॉडी पैनल है इसके ऊपर में लीवो की ब्रांडिंग, थोड़ी सी कार्बन टच की फिनिशिंग मिलती है, ESP टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है ब्रेक पैड जो कि नॉर्मल सा ही इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ किक भी मिल जाती है और यहाँ पर स्पार्क प्लग, कैटेलिटिक कन्वर्टर और यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको अलग से लगवानी पड़ती है। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर, 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इंजन और पावर की बात करें तो 109.51 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 FI इंजन दिया है जो 8.79 PS की पावर देता है 7500 RPM पर और 9.30 Nm का टॉर्क पैदा करता है 5500 RPM पर। इसका कर्व वेट है 114 kg, इसकी लंबाई है 2020 mm, इसकी चौड़ाई है 751 mm, इसकी हाइट है 1116 mm की। इसका जो एग्जॉस्ट है वो आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ और पीछे में आपको मैट फिनिश मिलती है और ऊपर में थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे में हाइड्रोलिक टाइप के एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप और यहाँ पर आपको 80/18 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। टायर की जो ग्रिप है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है।
इसके साथ ही अगर हम इसके रियर बॉडी प्रोफाइल की बात करें तो पीछे से ये बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके पीछे में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल मिलता है, होंडा की ब्रांडिंग और हेलोजन टेललाइट का सेटअप मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी प्रतीत होती है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये जो बाइक है वो होंडा सीडी 110 बाइक से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लुक्स के हिसाब से भी यहाँ पर एक की का पॉइंट मिलता है सीट को ओपन करने के लिए। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड और इसका जो चेनसेट कवर है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है, जिसमें भी कुछ सावधानियाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि इसकी जो चेन को आपको जो है वो पेट्रोल से कभी भी साफ नहीं करना है, जिससे चेन जो है वो ख़राब हो सकती है। यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट और लीवो की ब्रांडिंग, सिंगल हॉर्न यहाँ पर आपको मिलता है होंडा की ब्रांडिंग। इसके साथ ही फोर स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। अगर प्लेटिना 110 लेते हैं तो उसमें आपको 5 गियर का सेटअप मिलता है। इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का सेंसर भी मिल जाता है। तो साइड स्टैंड अभी इसका डाउन है, सबसे पहले मैं इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप साइड स्टैंड को डाउन करके क्लच को दबाकर गियर को डालते हैं, इसका जो इंजन है वो तुरंत बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, जो कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से इसमें दिया है। तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो होंडा लीबो 110 सीसी डिस्क ब्रेक की एक्स शोरूम कीमत है 79,172 रुपीज़ और ऑन रोड कीमत है 94,760 रुपये 94,760 रुपीज़ और होंडा लीबो 110 सीसी ड्रम ब्रेक की एक्स शोरूम कीमत है 75,172 रुपये और ऑन रोड कीमत है 90,258 रुपये, जो ब्लैक कलर में अभी आप देख रहे हैं। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है आरके मोटर्स टू व्हीलर होंडा शोरूम और नियर मले राया मथुरा की शोरूम की। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं तो आरके मोटर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव एमटीआर को सब्सक्राइब करें।